17 अगस्त को IBPS RRB क्लर्क के फर्स्ट शिफ्ट में जो अरिथमेटिक क्वेश्चंस आए उन पर मैं बात करने जा रहा हूँ। आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि जल्दी से इसको कैसे बनाया जाए। कुल मिलाकर के आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। A shopkeeper sold a table at a discount of 20%. If selling price was ₹3,000 and the profit made was ₹250, then what is the difference between the cost price and marked price of the table? देखिए ऐसा है, ये cost price है, selling price है, marked price है, 20% का discount है, ठीक है। लेकिन आपको selling price दिया हुआ है 3,000 और प्रॉफिट इधर से ये दिया हुआ है, प्रॉफिट रुपीस में 250 है, ठीक है। अब 20% देने का मतलब क्या हुआ कि 80% इज इक्विवेलेंट टू दिस रुपीस 3000 इनटू 100 बाय 80, ठीक है। बताइए, और इसके बाद देखिए इस 100 को 25 से काटिए, 750 देखिए, और आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 3750, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ रुपीस 2750, एंड डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस इज इक्वल टू रुपीस 1000, ठीक है, क्लियर। एक अच्छा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पंकज कैन कंप्लीट 40% ऑफ ए वर्क इन 12 डेज व्हाइल मीनू कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 18 डेज। चलिए 100% करने में कितना टाइम लगता है देखते हैं। पंकज ये 40% वर्क करने में 12 डेज का टाइम लेता है, तो 100% वर्क करने में कितना टाइम लेगा, क्लियर। देखिए देखिए देखिए, यानी कि 30 डेज, यानी कि 30 डेज का समय लगेगा, ठीक है ना। उसी तरह से मीनू 18 डेज में 60% वर्क करती है, इसका मतलब 100% वर्क करने में कितना समय लगेगा, सेम 30 डेज, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो फिर क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ पंकज एंड मीनू। तो पंकज और मीनू दोनों मिल जाएं, प्लस मीनू, तो दोनों मिलकर के डेफिनेटली, दोनों मिलकर के ये 30 डेज में, ये 30 डेज में दोनों मिलकर के काम करें तो कितना समय लगेगा, 15 डेज होगा कि नहीं, एक 30 डेज में, आइदर 30 डेज में तो दोनों मिलकर के हाफ 15 डेज में। एक बढ़िया क्वेश्चन है, चेक करता है कि बिना पेन पेपर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगला सवाल एवरेज का, जरा देखिए क्या है, क्या है। द एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 72.5 kg, ओके। इफ द एवरेज वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स हु लेफ्ट इज 60 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड इज 31.25 kg, देन फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट। देखिए ऐसा है कि 50 × 72.5 ये टोटल वेट होता है, सॉल्व कैसे करेंगे मैटर करता है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने लग जाएं, वेट इसमें से चले जाते हैं कितने, 3 × 60, और जो आते हैं 4 × 31.25, टोटल होते कितने हैं, 50 में 3 चले गए 4 आए, यानी कि 51। जल्दी बताइए ये न्यू एवरेज, ठीक है। न्यू
न्यू एवरेज सॉल्व कैसे करेंगे बताइए मुझे। मैं कहता हूं कि ये माइनस 180 है, ये प्लस 125 है, यानी कहने का मतलब ये 55 है माइनस। जल्दी बोलिए, है ना। अब एक बात है, ये 51 है ना, इसको 51 बना दें तो काम हो जाएगा ना। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं माइनस, है ना। देखिए तो प्लस 72.5 लिखते हैं और माइनस 72.5 लिखते हैं। लिख सकते हैं ना ऐसा, पर पता है ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि 51, देखिए 51 इंटू 72.5 बाई 51 हो जाए और यहाँ पर इन दोनों का ऐड 127.5 बाई 51 हो जाए। इसके कारण एक बड़े कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। अब रहा सवाल इसका, 17 फैक्टर है, 17 काटे नहीं, ये हो सकता नहीं है। 17 से काटते हैं, 7 जा बोले तो 119 एंड 5 जा 85। यस 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 यस, ये तो बड़े शानदार ढंग से आया जी। गौर कीजिए तो 72.5 माइनस 2.5 यानी कि 70 केजी आंसर। एक जबरदस्त कैलकुलेशन है, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो मजा आ जाएगा। यही तो डिमांड करता है एग्जाम, बताइए, ठीक है, क्लियर। यही डिमांड करता है कि आप देखते कैसे हैं पूरे डेटा को। अगला सवाल, रानी स्पेंड्स 15% ऑफ हर सैलरी ऑन एजुकेशन फीस एंड 1/4 ऑफ हर सैलरी ऑन हाउस रेंट। सी सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी विच इज रुपीज 6000। अब क्या होता है, शुरू की सैलरी को हम एक्स मान लेते हैं, नहीं दिक्कत होगी, 100 मान लेते हैं, नहीं सॉल्यूशन टेढ़ा हो जाएगा। 15% फिर 1/4, हम मान सकते हैं 100 भी, लेकिन सबसे अच्छा हम इसको 200 या 400 मान लेते हैं। चलिए 200 मान लेते हैं। लेट सैलरी इज इक्वल टू 100। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं इसलिए कि 15% और फिर गौर कीजिए यहां पर 15%, हाँ हमने इसको 200 माना है, ठीक है, इसको 200 मानने पर फायदा होगा, कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी। तो हमने 15% कहा तो 15% कितना हुआ, 30 इस पर एजुकेशन फी और 1/4 का मतलब 50 किस पर, हाउस रेंट। इसके बाद जो बाकी बचता है तो बाकी कितना बचता है बताइए, 50, 30, 80 हट गया तो 120, ठीक है, जल्दी बताइए। इसका 50%, इसका 50% यानी कि 60, ये क्या होता है, सेविंग है, दैट इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 6000, ये सेविंग है। तो हमें बताना है कि 200 का मतलब क्या, सैलरी देखिए इनटू 100, कितने सुंदर तरीके से ये क्वेश्चन बना, रुपीज 20,000, जल्दी बताइए, क्लियर। सोचना है क्या माने हम, जिससे डेटा और कैलकुलेशन आसान हो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, 2 persons ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1800 एंड 4500 रेस्पेक्टिवली। 18 एंड 45 बोलते हैं ना, देखिए ए एंड बी हम बोलते हैं कि ये 18 के साथ और ये 45 के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। आफ्टर 6 months ए लेफ्ट, ठीक है, छोड़ देता है।
उसके बाद सीधा है फाइंड द प्रॉफिट रेशियो, यानी कि भी साल के अंत तक रहता है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात है 9 से 5 times, 9 से 2 times, और उसके बाद तो सीधा बोलेंगे 6 into 2, 12। जल्दी बताइए तो रेशियो क्या आया? 1:5। बस बस बस, प्रॉफिट का रेशियो ही बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं। क्लियर? अगला सवाल, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 250 meters एंड लेंथ ऑफ ए प्लेटफॉर्म इज 150 meters। ट्रेन ए क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 16 seconds, तो स्पीड निकल गया ना। ट्रेन ए के लिए हम बात करें तो स्पीड निकल गया ना क्या, 250 + 150, कहने का मतलब 400 meters इन 16 seconds, यानी कि 25 meters per second। जल्दी बताइए, होगा ना? कैंसिल कैसे करते हैं? देखिए 16 है ना, 4 से और इससे 25, ऐसे 4 into 4 ऐसे। अब आगे क्या है? ट्रेन बी, ट्रेन बी का जो स्पीड है वो क्या है? वो है 40% more। 40% का मतलब 10 more, यानी कि 35 kilometers per hour। जल्दी बताइए, क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला सवाल, अगला सवाल, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 cm। मैं इसका फिगर बना देता हूं, ठीक है? ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। क्वेश्चन क्या कहता है? साइड जो है ए, ये कितना है? ये है 16 cm। तो पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर क्या हुआ? 4a, यानी 64 cm। इसका जो पेरीमीटर है ये क्या है? ट्वाइस इंटू 64। तो ट्वाइस इंटू 64, हम जानते हैं कि 2 into L + B ये होता है ट्वाइस इंटू 64। इसका मतलब L + B इज इक्वल टू 64। इसमें b हम जानते हैं दिया हुआ है कितना, 20 cm, तो L कितना आया, 44 cm। जल्दी बोलिए, ये L है, ये B। तो ये भी एक बेहद आसान सवाल, ठीक है? लेंथ कितना निकला, 44 cm। अगला सवाल है, वेसल कंटेन्स 240 liters ऑफ ए मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। तो क्लियर है, मिल्क है, वाटर है, और ये क्या है, 5:3 है, टोटल 8 है, और टोटल का मतलब 240 liters, तो इसका मतलब 90 liters, और इसका मतलब 150 liters, ठीक। पूछा गया 30 liters ऑफ मिल्क आर एडेड, प्लस 30 कर देंगे तो क्या आएगा, बस 180 liters is to 90 liters, यानी कि 2:1। पूछा है कि रेशियो क्या है, होगा ना? बताइए, ठीक है? अगला सवाल, द स्टिल वाटर स्पीड इज 10 kilometers per hour, ए बोट ट्रेवल 39 kilometers डाउन स्ट्रीम इन 3 hours। तो फिर क्लियर है, एक्स है, वी है, यू है, वी है, वाई है, लिखा हुआ है स्टिल वाटर स्पीड, ये 10 kilometers per hour है, और यहां पर 39/3, यानी कि 13 kilometers per hour है। तो फिर क्लियर है, ये कितना हुआ, 3 kilometers per hour।
ये कितना हुआ 3 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हुआ 7 किलोमीटर पर आवर, जल्दी बताइए। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड्स देख लिए। अब देखिए ऐसा है, आपको जाना है 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 के रेट से और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम 7 के रेट से, यानी 4 आवर्स होगा ना। बताइए 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 बताइए, ये भी एकदम आसान सवाल, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, सुहाना इज 8 years ओल्डर देन अनन्या एंड अनन्या वाज 17 years ओल्ड 12 years ago, तो अनन्या का एज अभी क्या हुआ? अनन्या का एज हुआ 17 plus 12, यानी कि 29 years, ठीक है। और सुहाना, सुहाना का एज 29 plus 8, यानी कि 37 years। क्या पूछा है? सुहाना प्लस विहाना ये है 57 years, तो भाई विहाना का क्या हुआ? 57 minus 37 years, यानी कि 20 years। ये भी एकदम आसान सवाल, ठीक है, क्लियर। तो कुल मिलाकर के ये पेपर बहुत आसान है और इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट ने लगभग सारे क्वेश्चन बना डाले हैं। संभव है कहीं किसी एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।